पता नहीं काजल अप्लाई करने का मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है, बट मेरा मन कर रहा था यार काजल लगाने का आज। अभी देखती हूँ कि कैसा लगा होगा। A few moments later, Oh my God, can you see my eyes, guys? I'm so sorry. काजल ही नहीं लगा। Hello guys, how are you all doing? Welcome or welcome back to my channel, The Lady Bar. And आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई हैव टेकन अ चैलेंज एंड माई वीडियो इज गोइंग टू बी अ फन वीडियो टूडे. सो आई विल बी डूइंग माई मेकअप विदाउट यूजिंग एनी मिरर. येस गाइज, यू हर्ड राइट. सो आज मैं मेकअप करूँगी बट कोई भी मिरर यूज़ नहीं करूँगी. एंड टूडे आई एम गोइंग फॉर अ लंच डेट, तो मैं कोशिश करूँगी मैं बाहर जाके किसी को डराऊँ ना. सो गाइज, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो पूरा देखना. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो नाउ. मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया था. तो डे मेकअप है तो फाउंडेशन हम यूज़ नहीं करेंगे. आई विल बी यूजिंग माय पॉन्ड्स बीबी क्रीम. तो वेयर इज़ माय पॉन्ड्स बीबी क्रीम. माय गॉड, पता नहीं क्या होने वाला है बिकॉज यू नो फाउंडेशन अप्लाई करना और क्रीम पाउडर इज़ फाइन, बट वेन यू गो फॉर आई मेकअप एंड स्पेशली वेन यू डू दी दिस आई लाइनर, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज आई लाइनर जो है वो ठीक से फिक्स नहीं होता है अच्छे से. तो देखते हैं क्या होता है. मैं बस ट्राई करूँगी कि मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लूँ. उसके बाद आप लोग हंसना मत प्लीज़. कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कितना बड़ा भूत लग रही थी इस मेकअप के बाद में और इस मेकअप के बीच में मैं कैसी लग रही थी. सब कुछ इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना प्लीज़, ज़रूर ज़रूर ज़रूर. एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स टू एंटरटेन यू गाइज. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस वन. I don't know if my BB cream is blended properly, but I know कि वो places कौन कौन से होते हैं जहाँ पे blend ठीक से नहीं हो पाता है. तो मैं try कर रही हूँ कि मैं वहीं पर अच्छे से अपने मेकअप को ब्लेंड करूं. एंड ये कोई मतलब ये मैं आपको बता दूँ, ये स्टंट अपने घर पे ट्राई ना करें बिकॉज आई डोंट नो इससे किस किस को हार्म पहुँच सकता है. तो दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली. सो आई थिंक कि मेरा बीबी क्रीम जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गया होगा बिकॉज मैंने सारे एरियाज़ को कवर कर दिए हैं. अब आई डोंट नो मेकअप का फिनिश कैसा आता है, दैट्स नॉट द पॉइंट कि मेकअप का फिनिश कैसा आता है, बट मुझे सिर्फ अपने मेकअप को अप्लाई करना है विदाउट यूजिंग एनी मिरर. सो नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग माई फेस पाउडर. वेर इज़ माई फेस पाउडर. सो सॉरी गाइज, आई एम यूजिंग माई होल कम्प्लीट मेकअप किट. तो फेस पाउडर को थोड़ा आसानी से, इसमें मिरर है तो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया है एंड मैं नहीं देख रही हूँ कुछ भी. माई गॉड, नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी भाई. पता नहीं कैसा लग रहा है फेस, पता नहीं पता नहीं. थोड़ा सा नेक पे भी कवर कर लेती हूँ बिकॉज मेरा जो ड्रेस है वो ओपन है, तो मैं थोड़ा सा नेक भी कवर कर लेती हूँ. फेस पाउडर इज़ डन. अभी आईज़ को मैं कंसीलर, तो थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट कर लेते हैं. थोड़ा सा मैं अपनी फिंगर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी, नहीं तो मैं ब्लेंड करके, ब्लेंड नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा. तो मैं सिर्फ अपनी फिंगर टिप से अपने आईज़ को इस तरह से कर रही हूँ. पता नहीं, आई एम कॉन्स्टेंटली, मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ देख लूँ, मैं बस फ्लोर देख रही हूँ. कुछ तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है फेस के ऊपर, बट एंड में रिज़ल्ट देखेंगे कि मैंने अपनी काबिलियत का किस तरह से उपयोग किया. उपयोग
आई थिंक हो जाना चाहिए, बट थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ करी। गॉड प्लीज सेव मी टुडे। मैं बाहर जाके लोगों को डराऊंगी नहीं। कंसीलर हो गया है, आई शेडो यूज़ करना है, आई शेडो यूज़ करते हैं थोड़ा सा। अभी ये वाला आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, कुछ डे मेकअप वाले कुछ है ना इसमें कलर्स जो है सारे ब्राउन एंड ऑल। ब्रश का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ब्रश से कम ब्लेंड हो जाएगा ठीक से। दिखने में कैसा लग रहा है वो तो पता नहीं, बट ब्लेंड ठीक से हो जाएगा। कलर कौन सा यूज़ कर लूँ, कोई शिमरी सा कलर ले लेती हूँ। ये एक पिंक शिमर कुछ कलर है, ये मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा। एक ही शेड यूज़ करूँगी गाइज, मैं सिर्फ जस्ट सिंपल वन शेड, बिकॉज इट्स अ डे मेकअप लुक एंड विंटर्स भी आ गए हैं। तो विंटर्स का क्या है, विंटर्स में ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना है तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से उसको ब्लेंड करना पड़ता है ना इसी वजह से। तो अभी हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं मेकअप, नॉट सो मच। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, लगा तो लिया है, पता नहीं कैसा दिख रहा है। अभी हम आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पे, आईलाइनर पे। तो आईलाइनर अप्लाई करते हैं अब नेक्स्ट। लिक्विड लाइनर नहीं यूज़ करूँगी मैं, ग्रीन यूज़ करना चाहती हूँ आज, थोड़ा सा कलर्स अच्छे से लगेंगे। मम्मा जय माता दी, ओ गॉड प्लीज सेव मी। पता नहीं क्या बनाया होगा मैंने, कैसी लग रही हूँ इस वक्त कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, इस वक्त तक मैंने लाइनर कैसा लगाया है। बट आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इतना मुश्किल नहीं हो रहा है मेकअप विदाउट मिरर के करने के, बिकॉज प्रैक्टिस हो जाती है ना जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं, समटाइम्स यू नो कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे लगनी है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट इन अ बेटर वे, इन अ प्रोफेशनल वे, आपको मिरर चाहिए होगा ज़रूर। बट अगर जनरल मेकअप कर रही हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग दैट मच कि भाई मिरर चाहिए मुझे, आई एम मैनेजिंग, आई डोंट नो। वो मेकअप जब देख लूँगी तब पता लगेगा कितनी गड़बड़ें की है मैंने, देन आई विल रियलाइज जो मैं बातें अभी बोल रही हूँ। तो अभी क्या करना चाहिए, मस्कारा लगाना चाहिए ना थोड़ा सा। अच्छा आई डोंट नो गाइज इफ़ यू हैव चेक दिस नाइस ब्यूटिफुल स्विस ब्यूटी का जेल मस्कारा, एंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर आई लैशेज एंड ब्राउज ऑल्सो। इट लुक्स लाइक दिस, जेल मस्कारा है, ब्लैक नहीं है। इट विल जस्ट गिव अ बाउंस टू योर आई लैशेज। ओ माई गॉड, वॉट एम आई डूइंग, बहुत डर डर के लगा रही हूँ मैं। कुछ तो हुआ पता नहीं यार, अभी आईब्रो पेंसिल चाहिए हमको। आईब्रो पेंसिल मेरे दूसरे मेकअप किट में है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपना आईब्रो पोमेड में भी कांच है जो मैं नहीं देख रही हूँ। ग्रे कलर लेती हूँ, ग्रे कलर। मम्मा, मैं फील कर लेती हूँ अपनी आईब्रो। कुछ तो फील हो रहा है मुझे, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ करा है।
वॉट इज दिस? बहुत स्लो हाथ चल रहे हैं मेरे डर की वजह से. आईब्रोज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज मैं आईब्रोज कम करती हूँ. मेरी आईब्रोज पहले से ही बहुत अच्छे से शेप्ड हैं. बुशी आईब्रोज है मेरी. अभी थोड़ा सा फ्रंट में डिफाइन कर देती हूँ. आई नीड द ब्रश, आईब्रो ब्रश. वेर इज माई आईब्रो ब्रश? इट्स हियर. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक आईब्रो में ज़्यादा लगा होगा, एक में कम लगा होगा. ब्लश यूज़ करना है. ब्लश ब्लश, वेयर इज़ माई ब्लश? ब्लश आई एम यूजिंग हियर इज दिस शुगर का वेरी नाइस 05 कोरल क्लाइमैक्स. वेयर इज माई ब्रश? एंड आई एम यूजिंग गब का एंगुलर ब्रश. ब्लश अप्लाई करना सबसे इजी है ना. जस्ट स्माइल एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. अच्छा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ब्लश तो ठीक से अप्लाई हुआ होगा, बाकी का तो आई डोंट नो. नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई आई लाइनर. आई फील गुड अबाउट दिस ब्लश बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नाइस टिंट टू योर चीक्स एंड फॉर लिपस्टिक बिकॉज आई हैव यूज्ड ग्रीन आई लाइनर. आई विल नॉट बी यूजिंग वेरी यू नो व्हाट डू यू से इट, डार्क लिपस्टिक नहीं यूज़ करूँगी, ब्राइट कलर नहीं. आई एम गोइंग फॉर दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट बाय कलर सेंसेशनल 06 बेस्ट बेब. इट्स अ वेरी नाइस कलर. आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लगेगा अजीब, बट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड न्यूड इफेक्ट. इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी नाइस फ्रेगरेंस. आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक. अगर आपको पसंद आता है, ये छोटू सा मैंने पैक लिया था 99 रुपीज़ का, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए भी, बट अच्छा लिपस्टिक है, यू कैन गो फॉर इट. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम सेटिंग माई मेकअप विद दिस यूरोप गर्ल परफेक्ट डे मेकअप फिक्सर एंड इट्स अ वेरी नाइस मेकअप फिक्सर आई मस्ट से. सो कुछ मेकअप में नहीं रह गया है. येस आई हैव यूज अ ब्लश द पाउडर एंड एवरीथिंग. सो आई विल जस्ट यूज दिस मेकअप स्प्रे एंड देन आई विल जस्ट सी दैट हाउ एम आई लुकिंग. लिपस्टिक लगा लिया है तो हमेशा लिप्स को आपको फोल्ड कर लेना है जिससे आपके फेस पर ही ये स्प्रे जाए. वन मोर थिंग, आई वॉन्टेड टू अप्लाई काजल ऑल्सो टूडे. आई डोंट जनरली अप्लाई काजल बट टूडे आई एम फीलिंग दैट आई वॉन्ट टू अप्लाई काजल. सो आई विल बी यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का वाइट इंटेंस जेल काजल एंड 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 वेयर इज माई, ओ माई गॉड. पता नहीं काजल अप्लाई करने का मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है, बट मेरा मन कर रहा था यार काजल लगाने का आज. अभी देखती हूँ कि कैसा लगा होगा. ओके गाइज, आई थिंक आई एम डन विथ माई मेकअप एंड आई डोंट नो हाउ एम आई लुकिंग. आई विल जस्ट चेक दी मिरर नाउ. Oh my god, oh my god, can you see my eyes guys? I'm so sorry.
काजल ही नहीं लगाना चाहिए था, आई थिंक मेरे को कंफ्यूजन हो गया। बाकी काजल तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शिट मैन, आई एम लुकिंग लाइक अ फनी जोकर, आई एम वेरी सैड। जो आईब्राउज है उसमें भी, आईब्राउ में इफ यू कैन सी गाइज, यहाँ पे मैंने ब्लैक ब्लैक ऊपर कर दिया है। एंड आई शेडो, आई थिंक आई शेडो ठीक लगा है, बिकॉज लाइट शेड था, ग्लिटरी शेड है, ठीक लगा है। लाइनर भी ठीक लगा है, थोड़ा सा एंड पे प्रॉब्लम है, ब्लश थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा हो गया है। अदरवाइज जो मेकअप है वो ठीक लग रहा है, बट जो मैंने एंड में जो काजल के साथ में खेला है ना, दिस हैज़ रूइंड माई मेकअप। सो गाइज, कैसी लग रही हूँ मैं इस बार, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। बट गाइज, आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो एंड माई फेस ऑल्सो। बट नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड फिक्स दिस मेकअप राइट नाउ। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इन्जॉय योर लाइफ एंड वॉच माई वीडियोज। गाइज, आई एम गोइंग टू गो एंड फिक्स इट नाउ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।